लेट फॉर आई इक्वल्स टू 1, 2, 3 पी आई ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन एक्स पी आई डैश एक्स एंड पी आई डबल डैश एक्स बी द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ पी आई ऑफ एक्स रेस्पेक्टिवली लेट ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी वन एक्स पी वन डैश ऑफ एक्स पी वन डबल डैश ऑफ एक्स पी टू ऑफ एक्स पी टू डैश ऑफ एक्स पी टू डबल डैश ऑफ एक्स पी थ्री ऑफ एक्स पी थ्री डैश ऑफ एक्स पी थ्री डबल डैश ऑफ एक्स एंड बी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए ऑफ एक्स होल ट्रांसपोज इन टू ए ऑफ एक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी ऑफ एक्स लेट पी आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए आई एक्स स्क्वेर प्लस बी आई एक्स प्लस सी आई फॉर I equals to 1, 2, 3. Now, det of Ax will be equals to determinant of A1x square plus B1x plus C1 plus 2A1x plus B1 2A1 A2x square plus B2x plus C2 2A2x plus B2 2A2 A3x square प्लस बी थ्री एक्स प्लस सी थ्री टू ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री टू ए थ्री नाउ लेट अस अप्लाई दी कॉलम ऑपरेशन सी टू इंप्लाइज सी टू माइनस एक्स इंटू सी थ्री वी हैव दिस वैल्यू इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन एक्स स्क्वेर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन बी वन टू ए वन ए टू एक्स स्क्वेर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू बी टू टू ए टू ए थ्री एक्स स्क्वेर प्लस बी थ्री एक्स प्लस सी थ्री बी थ्री टू ए थ्री नाउ अगेन बाय अप्लाइंग द कॉलम ऑपरेशन सी वन इंप्लाइज सी वन माइनस एक्स इंटू सी टू माइनस एक्स स्क्वेर बाय टू इंटू सी थ्री वी हैव दिस वैल्यू इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ सी वन बी वन टू ए वन C2, B2, 2A2, C3, B3, 2A3. Now by expanding this determinant, we get a constant value. Now, B of X equals to A of X whole transpose into A of X. Therefore, det of B of X will be equals to det of A of X whole square, which is a constant. Therefore, fourth option is correct option.